ऑल राइट गाइस, तो आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं एक एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच का। तो ये स्मार्ट वॉच आती है कार्लसन रॉलिन की तरफ से एंड ये अभी तक की सबसे चीपेस्ट स्मार्ट वॉच है इंडियन मार्केट में। ओनली 7,000 रुपये में आप इसे परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक अवेलेबल है। तो मार्केट में काफ़ी सारी एंड्रॉयड स्मार्ट वॉचेस अवेलेबल हैं बट उनकी जो प्राइसिंग है काफ़ी हाई है। लगभग 10, 12, 15, 20, 25,000 रुपये आपको खर्च करने होंगे तब जाके आप एक एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप एक एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच परचेस करना चाहते हैं वो भी बजट में, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकेजिंग हम देख लेते हैं। तो बॉक्स के टॉप में स्मार्ट वॉच यहाँ पर लिखा हुआ है एंड बॉक्स क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये रही स्मार्ट वॉच, इसको हम बाद में निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका छोटा सा बॉक्स यहाँ पे दिया गया है, इसको हम निकाल लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसके अंदर एक छोटा सा पाउच दिया गया है, इसके अंदर इसकी चार्जिंग केबल दी गई है एंड एक पाउच यहाँ पे और दिया गया है। इसके अंदर एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है ताकि आप सिम वगैरह लगा सकें स्मार्ट वॉच में एंड एक स्क्रीन प्रोटेक्टर यहाँ पे दिया गया है। तो स्मार्ट वॉच को हम निकाल के रख देते हैं साइड में। इसके अलावा इसके बॉटम पार्ट में इसकी यूज़र मैनुअल दी गई है एंड एक कार्ड यहाँ पे दिया गया है जिसके ऊपर कार्लसन रॉलिन की ब्रांडिंग है। तो ये रही इसकी यूज़र मैनुअल एंड ये इंग्लिश एंड पीछे की तरफ इसमें चाइनीज़ में दिया गया है। तो ये रही मेन स्मार्ट वॉच, इसको हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फिज़िकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो स्मार्ट वॉच जो है टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आती है। वॉच के टॉप में यहाँ पे 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है वीडियो कॉलिंग के लिए एंड इसमें 1.3 इंच की 320x320 पिक्सल रिजोल्यूशन की एलईडी डिस्प्ले दी गई है। वॉच के राइट साइड में दो बटन्स दिए गए हैं। तो पहला बटन है पावर एंड बैक बटन, ये माइक्रोफोन इसका है एंड ये कैमरा लॉन्च बटन है जिससे आप सिंगल क्लिक में कैमरा को लॉन्च कर सकते हैं। वॉच के लेफ्ट पार्ट में इसका स्पीकर दिया गया है एंड अगर यहाँ पे इसका स्ट्रैप देखा जाए तो सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ स्मार्ट वॉच आती है एंड स्ट्रैप की क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट स्ट्रैप है। तो अगर आप लंबे समय तक इसको पहने रखते हैं अपने हाथों में तो आपके हाथों में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देगा। स्मार्ट वॉच अगर पीछे के पार्ट में हम जाते हैं तो यहाँ पे इसके चार्जिंग कनेक्टर दिए गए हैं। तो आपको इसकी चार्जिंग केबल को सिर्फ यहाँ पे ऐसे ड्रॉप करना होगा एंड ये मैग्नेटिक है, ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो जाती है। साथ ही आप इस केबल की मदद से इसमें डेटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से। तो वॉच के पीछे का पार्ट आसानी से ओपन हो जाता है। यहाँ पे 4 स्क्रू दिए गए हैं ताकि आप इसमें सिम लगा सकें। तो स्क्रू मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। इसके बाद इसका बैक पैनल निकल जाता है काफ़ी आसानी से एंड इसमें 450 mAh की बैटरी दी गई है एंड यहाँ पे आप 3G माइक्रो सिम लगा सकते हैं, 4G सिम भी आप लगा सकते हैं बट ये वर्क ओनली 3G नेटवर्क पे करेगा क्योंकि ये 3G वॉच है। बट अगर आप जियो सिम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो जियो सिम यहाँ पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि जियो नेटवर्क जो है 3G नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो टोटली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करती है एंड इसमें हमें 12 वॉच फेसेस दिए गए हैं। तो वॉच फेसेस चेंज करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे टच करके होल्ड करना है एंड इसके बाद आप वॉच फेसेस यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। लगभग हमें इसमें 12 वॉच फेसेस देखने के लिए मिलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच के टॉप में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एंड यहाँ पे इसके काफ़ी सारे शॉर्टकट्स दिए गए हैं जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, आप यहाँ से ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इसकी कैमरा की है, तो अगर आप इसको एक बार प्रेस करते हैं तो इसका कैमरा यहाँ पे लॉन्च हो जाता है। तो 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे दिया गया है तो व्हाट्सएप कॉलिंग या स्काइप कॉलिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पे टॉप में फ़ोन का ऑप्शन दिया गया है तो आप डायरेक्टली अपने स्मार्ट वॉच से ही यहाँ पे कॉल कर सकते हैं एंड यहाँ पे हमें ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर नहीं मिलता। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने फ़ोन से कनेक्ट करके इस वॉच को आप डायरेक्टली अपने फ़ोन से कॉल को यहाँ पे अटेंड कर पाएँ तो वो आप इस वॉच में नहीं कर सकते। आप इस वॉच को इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं एक स्मार्टफोन की तरह। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का, थर्ड है मैसेजिंग, तो मैसेजिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है सेटिंग का, तो अबाउट वॉच हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन 5.1, तो इसमें हमें 5.1 लॉलीपॉप का सपोर्ट मिलता है। क्लॉक, साउंड रिकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो बेसिकली एक स्मार्टफोन ही है। फाइल मैनेजर, तो 0.92 GB यहाँ पे अवेलेबल है। तो स्मार्ट वॉच 4 GB इंटरनल स्टोरेज एंड 512 GB की रैम के सपोर्ट के साथ आती है। यहाँ पे ब्राउजर का ऑप्शन दिया गया है तो इंटरनेट आप यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसमें सिम को इंसर्ट करना होगा या वाईफाई के थ्रू भी यहाँ पे इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हैं। तो इसको अपने वाईफाई नेटवर्क से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप होल्ड कर दीजिए।
एंड ये कनेक्ट हो चुका है। तो अब मेरी स्मार्ट वॉच वाईफाई से कनेक्ट यहाँ पे हो चुकी है, तो इंटरनेट में यहाँ पे ब्राउज कर सकता हूँ। साथ ही यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, साथ ही यहाँ पे म्यूज़िक का ऑप्शन भी दिया गया है। तो म्यूज़िक आप इसमें प्ले कर सकते हैं, जो एक काफ़ी अच्छी बात है इसके लिए। एंड यहाँ पे प्ले स्टोर का सपोर्ट दिया गया है। तो ये एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच है, तो आप कोई भी एंड्रॉयड ऐप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। मैप्स का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो मैप्स आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, जो एक काफ़ी अच्छी बात है स्मार्ट वॉच की, वो भी इस बजट प्राइस पॉइंट पे। एंड प्ले म्यूज़िक का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। फ़ोटोज़, स्पीडोमीटर का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने स्टेप्स लिए हैं एंड कितने किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रैवल की हैं। तो यूट्यूब ऐप भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकेजिंग हम देख लेते हैं। तो बॉक्स पैकेजिंग इसकी काफ़ी ह्यूज है। बॉक्स के टॉप में MI स्मार्ट स्पीकर की ब्रांडिंग है। बॉक्स के लेफ्ट पार्ट में से कुछ स्पेसिफिकेशन। तो ऑनलाइन भी आप सॉन्ग्स को यहाँ पे प्ले कर सकते हैं स्पॉटिफाई में। तो यहाँ पे मैंने गेम डाउनलोड किया हुआ है, तो उसको हम प्ले करके चेक कर लेते हैं। गेम का नाम है हिल क्लाइंब रेसिंग। तो ओवरऑल अगर इस वॉच को देखा जाए तो वॉच काफ़ी अच्छी है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो अगर आपको बजट में एक एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच चाहिए, तो आप इस स्मार्ट वॉच को चेकआउट कर सकते हैं।